Hello student, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your second chapter, The Sound of Music. Evelyn Gellani, Listen to Sound Without Hearing It, Part 2. So let's start our Part 2 with fifth passage. And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के लिए एवलिन जो है उसने नहीं स्वीकार किया किसी भी तरह का संकेत अपनी हीरोइक अचीवमेंट के लिए, अपनी महान उपलब्धि के लिए. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. यदि आप मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे. एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो भी पहुँच जाती है बिल्कुल सबसे ऊँची ऊँचाई पर. The world's most shout after multi-percussionist, संसार की सबसे मांग की जाने वाली ताल वादक के रूप में. With a mastery of some thousand instruments, और जिनको जो है महारत हासिल थी कुछ हजार instruments पर. And hectic international schedule, और जिनका जो international schedule जो था वो hectic यानी busy रहता था, यानी उनके पास जो है वो सारे जो है उनको concert करने पड़ते थे. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये कैसा लगता था Evelyn को इस तरह से अपना काम करते हुए देखना, बड़ा अजीब लगता था. effortlessly मतलब सहज रूप से, without hearing बिना सुने हुए, बिना सुनने के. In our 2 hour discussion she never missed a word, हमारे 2 घंटे के discussion में उसने एक भी शब्द जो है miss नहीं किया. man with bushy beard give me trouble, और आदमी जो क्या हैं जो ज़्यादा बड़ी दाढ़ी वाले आदमी जो होते हैं गिव मी ट्रबल, वो मुझे क्या है कठिनाई में डाल देते हैं. सी लाफ्ट, वो हंसती है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, कि ये सिर्फ क्या है मुझे लिप्स को ही जो है देखना नहीं होता. इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा होता है देखने के लिए, स्पेशली द आई, और विशेषकर आँखें, क्योंकि जो इवलिन है वो सुन तो सकती नहीं है, इसलिए जब कोई आदमी या कोई भी उससे बात करता है तो वो क्या करती है, सिर्फ उसके होठों से ही नहीं बल्कि उसके पूरे फेस के एक्सप्रेशंस और उसकी आँखों को देखकर जो है वो उस बात का जो है अंदाज़ा लगाती है. सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, और वो स्कॉटिश लहजे के अंदर जो है फ्लॉलेसली बात करती है, ये बात बोलती है. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरा जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मैं कितने की थी, 11 ईयर की थी. सी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन जो है वो ये इसकी इसे नहीं बताती, वो या ये नहीं बताना जानती कि सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि कैसे उसने जो है फ्रेंच सीखा या फिर कैसे उसने जापानीज में महारत हासिल की. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, और म्यूजिक के लिए वो कहती है, इट पोर इन थ्रू इवन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये जो क्या है म्यूजिक मेरे शरीर के हर एक हिस्से में बहता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन एंड इवन इन माई हेयर, और ये जो है वो झलकता है मेरी स्किन के अंदर, मेरी चिक बोन के अंदर एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों के अंदर भी. वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो बजाती है क्या जाइलोफोन, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर, तो वो महसूस कर सकती है उस साउंड को, जो साउंड जो है वो उसकी उन स्टिक में से होकर होते हुए उसके फिंगर टिप तक आती है. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम के ऊपर झुकती हैं, सी कैन फील द रेजोनेंस, तो वो उस गूंज को महसूस कर सकती हैं फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जो उसके शरीर के अंदर से बहता है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सी रिमूव हर शूज़, वो अपने जूतों को निकाल देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उनके बेयर फिट के अंदर, नंगे पैरों के अंदर से जो है पास हो सके, बह सके, एंड अप हर लेग्स, और उनकी टांगों तक पहुंच सके. एंड नॉट सरप्राइजिंगली, और ये इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इवलिन जो है वो मंत्रमुग्ध कर देती थी अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को.
इन 1991 और 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उन्हें प्रेजेंट किया गया विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीज की रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी के सम्मान के साथ सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसको एकल वादक के रूप में साल का अवार्ड दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम ब्लेड्स और प्रसिद्ध जो हैं मास्टर तबलची मास्टर जेम्स ब्लेड्स जो हैं कहते हैं उसके बारे में, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति जो है उसे छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने इसके बदले में उसे कुछ अद्भुत दिया है, असाधारण दिया है। वट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो चीज़ वो महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उतनी गहराई से यानी हमारी तुलना में और भी ज़्यादा गहरे रूप से वो उस चीज़ को महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो म्यूजिक को जो है कैसे एक्सप्रेस करती है, बड़े सुंदर रूप से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन जो है ये स्वीकार करती है, दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्क एहोलिक, कि वो क्या है उसके अंदर जो है काम करने का जुनून है, यानी कि एक वो काम का उसके अंदर क्या है कीड़ा है, यानी वो काम सा हर वक्त जो है वो काम में बिजी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं सिर्फ जो है वो काम ही करती हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी कि उतना ज़्यादा हार्डर या उससे भी ज़्यादा मेहनत जितना कि कोई क्लासिकल म्यूजिशियन करता है, बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन कहती है कि मैं मेहनत तो ज़्यादा करती हूँ लेकिन उसका जो है रिवार्ड क्या मिलता है मुझे, एनॉर्मस, काफ़ी बड़ा मिला। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और जो रेगुलर नियमित जो गोष्ठियाँ वो अटेंड करती थी, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, तो एवलिन जो है कुछ जो फ्री गोष्ठियाँ भी देती थी प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में। सी ऑल्सो गिव हाई प्रियोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो है वो हाई प्रियोरिटी देती थी किसको, टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, यानी कि जो युवा म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेज लेने में। एंड रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के जो एक पर्सन एंड रिचलिन जो कहती हैं उसके बारे में, वो क्या कहती हैं, सी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि ये क्या है एक चमकती हुई प्रेरणा का स्रोत हैं इनके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए यानी बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, दे सी दैट, वो देखते हैं कि देर इज़ नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है दैट दे कांट गो, जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन गेलेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने जो क्या किया है उन सभी लोगों से भी वो आगे निकल चुकी है जो उनकी एज के ट्वाइस हैं, यानी कि उनकी एज के दुगनी हैं। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो परक्यूशन को या तबले को वो ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे लेकर आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और उन्होंने दिखा दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वो जो है काफ़ी आगे जा सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप, और वो क्या हैं उन्होंने काफ़ी क्या दी हैं, प्रेरणाएं दी हैं, इंस्पिरेशन का वो स्रोत बनी हैं उन लोगों उनके लिए जो कि क्या थे, हैंडीकैप पीपल थे। हु लुक टू हर एंड से, जो उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि ये कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और बिल्कुल जो है हम एक बात कह सकते हैं कि वो सी हैज़ गिवन एनॉर्मस की प्लेजर, कि उसने बहुत ज़्यादा जो है प्लेजर दिया है किनको, टू मिलियंस यानी लाखों लोगों को। सो स्टूडेंट दीज आर आवर चैप्टर 2 पार्ट 1, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।